खबर इस वक्त ये है, कानपुर देहात के पीड़ित परिवार से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बातचीत की है। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री की ओर से परिवार को इस बारे में भरोसा किया गया है। उनका कहना है कि यह हमारी लड़ाई है, घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम ने कॉल करके पीड़ित परिवार से बातचीत की है, सुनते हैं। सर हमारे साथ, हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है, जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी, और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, शिवम बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं, और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना? एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे जो भी दोषी हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जो जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो, हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है, और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे, और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से वीडियो कॉल पर परिवार को भरोसा दिया जा रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ दो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक लेखपाल और दूसरा ड्राइवर। बाकी बड़े अधिकारियों के खिलाफ कब एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं सीधे विक्रम सिंह जी आपके पास आते हुए, यहां पर सरकार की ओर से भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने दो लोग जिंदा जले और वहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मूक दर्शक बनकर खड़े रहे, बचाने की कोशिश नहीं की जाए, ऊपर से बुलडोजर चला दिया जाए, अधिकारियों को क्या हो गया है? ये बुलडोजर जो न्याय के प्रतीक के तौर पर दर्ज हो रहा था वही अपराध करने लगा है। विक्रम सिंह जी, बात पे अस्तर देने से बात बनेगी नहीं, उनको पहले ब्रीफ करना। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है विक्रम सिंह जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, भरोसा तो दिया गया है डिप्टी सीएम की ओर से, मैं बोलूं जी? बोलिए। देखिए, उन्होंने कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हमारे परिवार के सदस्य नहीं, भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, वो तो जब से सरकार बनी है तब से एक ये जो कहते हैं ना, ये स्क्रिप्ट रटी रटाई है। फिर ये घटना क्यों हो जाती है? घटना हो गई, बच्ची चली गई, माँ चली गई, अब आप अपना वो कहते ना लकीर पीट रहे हैं आप। अरे आप ये कार्रवाई आप पहले कीजिए ना अपने लोगों पेपर में, जो आपके अधिकारी जिस तरह के हैं, कि किस तरह का दुरुपयोग हो रहा है। परिवार चले जाने के बाद इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात चित्रा जी, अभी कह रहे कि समाजवादी पार्टी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, हम विपक्ष में हैं और हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में। अगर कोई घटना हो रही है, कोई सरकार से जहां पे गलतियां हो रही हैं, उस गलतियों को उजागर करना, उस पर सवाल उठाना, न्याय दिलाना, और न्याय दिलाने के लिए आवाज मजबूत करना लोकतंत्र में जनता की। और हम कमजोर लोगों की आवाज हैं, और हम कमजोर की आवाज नहीं उठाएंगे। आप क्या सोचते हो, आपकी सरकार में अधिकारी गलतियां करते रहें और हमें देखते रहें मूक दर्शक बनके? ये समाजवादी नहीं कर पाएगी। समाजवादी मजबूती से आवाज उठाएगी, न्याय दिला के रहेगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, उस परिवार को न्याय मिलेगा ही मिलेगा। अभी डिप्टी सीएम कह रहे थे ये समाजवादियों की मजबूती से जमीन पे लोगों के साथ खड़े होने का नतीजा है कि हमको, हम चाहते हैं कि न्याय दो। और मजेदार बात आप ही करते हो कि मतलब, और दूसरी बात ये कह रहे कौन गया था नेता आपको मिलने के लिए? एक सेकंड सर, राजनीति कौन कर रहा है? नहीं, राजनीति कौन कर रहा है? समझ में आ रहा है या टीवी पर समझ में आ रहा था? किसने मुलाकात की है परिवार से जाकर?
अब आप कह रहे हैं कि जमीन पर उतर कर, तो आप मुझे विक्रम सिंह जी मैं फौरन आ रही हूँ, अनुराग भदौरिया की बात हो जाए, अनुराग जी बताइए जमीन पर उतर कर कौन सा देने के लिए पहुंचा था? जी 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 हाँ जी जी बोलिए। हाँ तो अरे कौन नहीं है, समाजवादी पार्टी का तो पूरा मंडल वहां ज्ञापन देके पहुंचा, वहां पे धरना देके पहुंचा, वहां अधिकारियों से बात की, देखिए तो सही, चलाइए तो सही, कभी समाजवादियों को भी चला दीजिए चित्रा जी, तो आपको पता चल जाएगा समाजवादी तो काम करते जनता की, उसको दिखाइए तो सही, कैमरा आपका जाता नहीं तो हम क्या करें, आपका कैमरा समाजवादियों की तरफ घूमता ही नहीं है। सर आप लोगों को ना कैमरे से बहुत दिक्कत हो गई है, मेन मुद्दे पर रहते हैं जिस टॉपिक पर बात चित्रा जी, हमें सपा के बारे में परेशान मत होइए, आप मेरी बात दिखाइए तो जनता जानेगी कि आप कह रहे हो कौन मिलने गया, पूरा समाजवादी चित्रा जी मैंने सब सुना है, मैं यही, बहुत अच्छा होता अगर स्थानीय अधिकारी अपने साथ वांछित उपकरण लेके गए होते, उनका प्रशिक्षण ठीक स्तर का होता, दिखाई ये पड़ रहा है चित्रा जी की बंदर के हाथ पे अस्तुरा थमा दिया गया और उन्होंने ये नहीं सोचा कि जहां पे आग लगी है वो अग्नि समाधि बन जाएगी माँ बेटी की, अग्नि समाधि बनी और जिस तरीके से छप्पर गिरा वो अत्यंत आपत्तिजनक है, वो चिता में, वो झोपड़ी चिता में परिवर्तित हो गई। मैं समझता हूं कि जो भी वहां पे अधिकारी कर्मचारी थे उन सबका निलंबन ही नहीं और जिनके नेतृत्व में हुआ था, मैं समझता हूं कि अवस्थी जी से मेरी ये निवेदन और परामर्श दोनों होगा कि वहां के अधिकारियों को अब जेल भेजने का समय आ गया है, सेवा मुक्त करने का भी समय आ गया है, अपराध पंजीकृत करना ये बड़ी हल्की सी बात है, अपराध पंजीकृत करें और बाद में हम कहें कि कालांतर में हम करेंगे, अब वक्त आ गया है अवस्थी जी कि हम कह दें हमने कर दिया, आप मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार शो पर आए तो ये कह दें कि इसमें इनको जेल हो गई, सेवा मुक्त हो गए, स्थानीय अधिकारियों ने जितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है चित्रा जी मैंने अपने सेवा काल में बहुत कम देखा है, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो करेगा तो उसको सेवा मुक्त होना ही है, जेल जाना ही जाना है, और जिस तरीके से दो जाने चली गई बिल्कुल अवॉइडेबल था, नहीं होना चाहिए था, इनको दरअसल तमीज नहीं है बुलडोजर के सही इस्तेमाल की, इनको तमीज नहीं है कि डिमोलिशन कैसे किया जाता है, इनको चेतावनी सतर्क भागने के रास्ते, ये कोई जलियांवाला बाग थोड़ी ही है कि जिस तरीके से जिसके जो मन में आया जैसे चाहा बल प्रयोग किया, न्यूनतम बल प्रयोग, चेतावनी के उपरांत बल प्रयोग, ऐसा नहीं जिस तरीके से हुआ है चित्रा जी, हर चीज रूल बुक के बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं मुआवजा आपने घोषित किया है लेकिन मुआवजा आंसू पोंछने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, इस पे और विचार करें, और चित्रा जी चाहूंगा ऐसे अधिकारी जो जाते हैं बुलडोजर कैसे चलता है, कब तक चेतावनी कैसे दी जाती है और उनकी हिफाजत के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड बाहर पहले जाने के रास्ते दिखाए जाते हैं, बिल्कुल करके ये जब महिला और बेटी घर के भीतर थी तो उस समय बुलडोजर चलाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है।